आपके शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वेलकम। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में, जहां एनुअल मीट फैशन शो फैशन फ्लोरा 2019 चल रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनके कुछ कंटेस्टेंट से। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू। हेलो, यू बोथ आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले आप बताइए, आपने जो अटायर्स कैरी किए हुए हैं, ये किस थीम पे बेस्ड? ये इंडियन कश्मीरी ब्राइडल्स। ओके, तो आपने इस अटायर्स को डिज़ाइन, जिसने भी आपके जो डिज़ाइनर हैं, कितना टाइम लगा उनको आपके अटायर्स, उनको मतलब आपको जैसे इतनी ब्यूटीफुल वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया? 1.5 ईयर हो गया इसी पे वर्क हो रहा है। पहले स्केच रेडी हुए, उसके बाद ड्रेसेस का फैब्रिक, एंड आफ्टर दैट ड्रेसेस, एंड आफ्टर दैट मेकअप एंड ऑल फुल लुक। तो 1.5 ईयर लग गया उन्हें। तो मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप बिल्कुल ही मतलब वो घूंघट टाइप एंड ऑल, तो आप ब्राइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कश्मीर के। मेन है हम, इसलिए ब्राइड अगर लुक के लिए। तो कैसे लग रहा है आपको ये टायर कैरी करके? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो आप मेनली जैसे वी आर पंजाबीज, तो आपने यहाँ पे कश्मीरी थीम को रिप्रेजेंट किया है, तो आप बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं पंजाबीज को? पंजाबीज को तो एज सच कुछ भी नहीं शो करना चाहते। क्यों? क्योंकि पंजाबी हर काम में तेज है, उनको शो करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कश्मीरी थीम को आपने रिप्रेजेंट किया है, तो कहते हैं ना एक बॉन्डिंग ऑफ लव रिप्रेजेंट हो रहा है कि उन दोनों कश्मीरीज और पंजाबीज के बीच में बॉन्ड ऑफ लव। तो पूरा इंडिया के साथ लव है हमारा, तो वी आर प्रेजेंटिंग इंडिया, वी आर नॉट प्रेजेंटिंग कश्मीर और पंजाब, वी आर प्रेजेंटिंग आर इंडिया। दैट्स वेरी गुड। तो मैम, आप अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। जैसे मैम ने बताया कि 1.5 ईयर से प्रिपरेशन चल रही थी आपकी, तो कितना टाइम आप इस चीज़ की रिहर्सल्स में लगाते थे? वेट कर लो, कोई बात नहीं मैम, आप बताइए कितना टाइम। इट्स बीन अ मंथ, हमने फुल डे रिहर्सल्स करी हैं, तो हमारी 1 मंथ की पूरी प्रैक्टिस है, तो उसके बाद हमारे में कॉन्फिडेंस आया स्टेज पे जाने का। दैट्स वेरी गुड। तो एक चीज़ हम लास्ट में चाहेंगे, जैसे हमने बताया आप कश्मीर को रिप्रेजेंट कर किया आपने अपने ड्रेसेस के थ्रू, अपने टायर्स के थ्रू, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कश्मीरीज के, जैसे हम लोग सुनते हैं कश्मीरीज के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सीज या कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो आपने रिप्रेजेंट किया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपसी प्रेम बना रहे हमारे बीच में? स्प्रेड लव। लव बना रहे। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। तो मैम, आपको कैसा फील हो रहा है इतने ब्यूटीफुल अटायर्स में, आपने कश्मीरी अटायर्स में रिप्रेजेंट किया रैंप पर अपने कंटेस्टेंट्स को, कितना टाइम लगा आपको ड्रेस डिजाइनिंग में? मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब पहले प्लानिंग करनी होती है सब कुछ, एक मतलब कहते हैं फैब्रिक्स डिसाइड किए हैं, बहुत बहुत घूमी हूँ मार्केट में, इतना घूमी हूँ इतना, तभी मुझे पता है लुधियाने में कौन कौन सी कहाँ कहाँ चीज़ मिलती है, कितनी मिलती है, सब कुछ मतलब ऐसा था कि कैसा बनेगा कैसा बनेगा, जब एक बने दो बने तीन बने, ऐसे धीरे धीरे करते बनते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अब अच्छा बन रहा है, एक सेटिस्फेक्शन अंदर के, हाँ कि अच्छा बना है, जैसा भी हो अच्छा बना है। आपके माइंड में कंसेप्ट कैसे आया कि बीइंग एज पंजाबी आपने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया रैंप पर? ऐसा है ना कि डिफरेंट है, कोई करता नहीं है ऐसा, कोई करता नहीं, जैसे ये हेड गियर्स हैं ये सब, ये मेन एक दिखाते हैं कि हाँ कश्मीरी लुक देंगे, शिमला की वो वादियाँ और इसकी ब्राइडल थोड़ी उसकी चीज़ है ना, धरती का स्वर्ग आपने आज रिप्रेजेंट कर दिया रैंप पर। थैंक यू। एक चीज़ और बताइए, जब आपने भी डेफिनेटली जब ये सब रैंप पे आए होंगे आपके कंटेस्टेंट्स, आपने देखा होगा, तो जब पीछे से इतनी हूटिंग हो रही थी तो कैसा फील हो रहा था आपको? बहुत सही, ऐसा लग रहा था कि हाँ, मुझे तो पहले टेंशन हो रही थी कि क्या करेंगे, कोई गिर गया, क्योंकि इतनी भारी भारी हैं कि गिर जाएगा कोई ना कोई, इतनी टेंशन। फिर जब आए हैं, जब ये आए हैं मेन मॉडल, तो इतनी हूटिंग हुई है, इतनी उतनी, ऐसा लगा कि हाँ अब जो मर्जी हो, प्राइस आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये है कि सबको अच्छा लगा है बस। हेलो, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। हेलो, तो बताइए आज आपका ये जो इवेंट चल रहा था, ये अब फिनिश हो चुका है? हाँ जी, आज लास्ट डे है इसका। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, हम बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें, कुछ सीखने के लिए मिला। हाँ जी, ये हमारे डिज़ाइनर, इन्होंने हेलो मैम। तो मैम, आपने ये जो इतनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल अटायर्स में आपके साथ जो गर्ल्स खड़ी हैं, इनकी डिज़ाइनिंग आपने की है? जी मैम, मैंने। ओके, दे ऑल आर लुकिंग वेरी नाइस। तो कितने टाइम से आपके माइंड में से कॉन्सेप्ट आया कि आपने मेटालिक कलर को ज़्यादा फोकस किया है? मैम जी, मेरा एक पार्टी वेयर में थीम देना चाहते थे अपने आप को, कि पार्टी ड्रेसेस बनाऊँ, तो मैंने पार्टी वेयर थीम ली कि मेरी शाइन करे, ड्रेसेस अच्छी लगे। तो ये ड्रेसेस मैंने खुद डिज़ाइन करते करते, जब से स्टार्टिंग की थी डिज़ाइनिंग, सोची थी करनी है, तब से मैंने सोचा हुआ था कि ये चीज़ मैं करूँगी। तो जब आप रैंप पे उतर के आए थे, तो कैसे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया देखकर? बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा,
एक हमारी ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था जब हम स्टेज पे चढ़े, बहुत बड़ी बात है स्टेज पे चढ़ना, आज बहुत अच्छा लगा हमें। हेलो मैम, आप बताइए आपके का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज? यस मैम। हेलो, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रैंप पर? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम था स्टेज पे, एक्सपीरियंस हो गया। कि तो कुछ नर्वस थे आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बट उस एक्सपीरियंस को आपने बहुत कुछ आई थिंक गेन किया होगा उससे। अब रैंप से उतरने के बाद कैसी फीलिंग हो रही है आपको? अब लग रहा है कि हो गया है, बस टेंशन फ्री। आप बताइए मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया। रैंप पे आके तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बट अब अच्छा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है? फुल ग्लिटरी ग्लिटरी लुक्स में आज आप सब हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग लग रहे हैं आज। आप कुछ और बताइए कि कितने टाइम से आपने इस चीज़ के, आप प्रिपरेशंस में लगे हुए इस चीज़? हमें ये 1 मंथ हो गया हमें प्रैक्टिस करते होते। हम अपनी स्टडी को भी मैनेज कर रहे थे, प्रैक्टिस को भी मैनेज कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला हमें। थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। तो आपने देखा ये थे ब्यूटीफुल अटायर्स में गॉर्जियस गर्ल्स जिन्होंने हमसे शेयर किया कि कितने टाइम से उन्होंने इस फैशन शो की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।